हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे लर्निंग टेक्निकल स्ट्रगल सेवन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, ये है क्या और किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन के अंदर। आप चाहे एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, चाहे iOS यूज़ कर रहे हो, तरीका एक ही होता है। तो इस चीज़ को मैं आज बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कुछ भी करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाया करेगी। और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, अपने उन दोस्तों के साथ जिनसे आप जुड़े हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ इंस्टाग्राम क्या है। दोस्तों, इंस्टाग्राम एक तरीके का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से यूट्यूब है ना, जिस तरीके से फेसबुक है, उसी तरीके से इंस्टाग्राम एक तरीके का एक एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है, जहां से आप अपनी फ़ोटोज़ को, आप किसी भी तरीके की फ़ोटो को पोस्ट कर सकते हैं जो उनकी गाइडलाइन को पास करती हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप न्यूड फ़ोटो नहीं डाल सकते, आप वो फ़ोटो डाल सकते हैं जो लोग डालते हैं या जिनको डालना उनकी गाइडलाइन के अंडर में है। तो बेसिकली आप अपनी फ़ोटो को, किसी भी प्रोडक्ट को आप दिखा सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर स्पेशली लोग अपनी फ़ोटो एक पहचान बनाते हैं, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं, आप अपने फ़ोन के अंदर देखिए। आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट होना चाहिए जो आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ले चलता हूँ मैं प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद ऊपर आप टाइप करिए इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम टाइप करके आप सर्च करेंगे तो ये देखिए एप्लीकेशन आ रही है ना। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसलिए हमें अपडेट के लिए कह रहा है। तो मैं अपडेट के लिए चलिए अलाउ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस स्टार की जो रेटिंग है वो ठीक है और ये लगभग थोड़ी अभी 23.90 MB के आसपास का अपडेशन है और आप इसको देख सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। 4.4 एवरेज देखा जाए तो 4.4 स्टार इसको मिले हैं आउट ऑफ 5 और 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है और 93 मिलियन रिव्यूज़ है। और फाइल साइज़ की मैं बात करूँ तो दोस्तों, फाइल साइज़ जो है इसकी लगभग 26 MB के आसपास होगी। अभी यहाँ दिखा तो नहीं रहा है लेकिन अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी तो नहीं आ रहा, चलिए मैं आपको सेटिंग के अंदर जाके दिखा दूँगा। खैर, मैं भी अभी आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और डाउनलोड कैसे करते हैं। दोस्तों, मेरा जो इंस्टाग्राम है ऑलरेडी देखिए मेरा हो चुका। अगर आप नए हैं, आपके फ़ोन में नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना होगा। तो आपके फ़ोन में इंस्टॉल और होने के बाद इस तरीके से ओपन का ऑप्शन आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है। ओपन करने के बाद मेरा यहाँ पहले से अकाउंट है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को दिखाऊं कि आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। नए नहीं हैं, अगर आप नए हैं तो आपके लिए सबसे पहले पता है क्या ऑप्शन आएगा, साइन अप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। साइन अप का ऑप्शन आएगा आपके यहाँ, और साइन अप का जब ऑप्शन आएगा, साइन अप का मतलब क्या होता है, साइन अप का मतलब होता है दोस्तों कि आप पहली बार किसी जगह अपना अकाउंट बना रहे हैं। तो मैं आपको वहीं से स्टार्ट करके दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे पास पहले से यहाँ अकाउंट है तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसको ओपन करूँ, तो आपको मैं रिमूव करके देख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए साइन अप का ऑप्शन आ रहा है तो मैं साइन अप करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। और साइन अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है कंटिन्यू एज सत्यम, और नीचे आ रहा है साइन अप विद ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो साइन अप आप करेंगे तो आप दो तरीके से यहाँ साइन अप कर सकते हैं, या तो अपने फ़ोन नंबर को यूज़ करिए या तो ईमेल एड्रेस को यूज़ करिए। चलिए हमने ईमेल एड्रेस वाला, ईमेल यहाँ देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं तो मैं ईमेल एड्रेस को क्लिक करूँगा। ईमेल एड्रेस में दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस डाला, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे आपका फुल नेम पूछ रहा है, मान लीजिए मेरा नाम अमित है, अमित शाह, ठीक। उसके बाद दोस्तों, सॉरी, यहाँ आपसे फर्स्ट वाले
ब्लॉक में आपको पूरा नाम लिखना है, चलिए मैं अमित ही रहने देता हूँ, और सेकंड वाले में आपको पासवर्ड चूज़ करना है। तो आप पासवर्ड कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने चूज़ किया है ANIT123, फिर कंटिन्यू एंड सिंक पर क्लिक करेंगे, फिर आपसे परमिशन मांग रहा है इंस्टाग्राम को अलाउ करिए अपने कॉन्टेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, अलाउ कर सकते हैं। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है ऐड योर डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और डेट ऑफ बर्थ आप यूज़ कर रहे हैं तो आप मंथ अपनी डेट वगैरह सब डाल दीजिए। चलिए हमने इतना 30 जनवरी 2003 सेट कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ देखिए कह रहा है वेलकम टू इंस्टाग्राम, फाइंड पीपल टू फॉलो एंड स्टार्ट शेयरिंग फोटोज, यू कैन चेंज योर यूजर नेम एट एनी टाइम, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यूजर नेम मतलब दोस्तों जो आपने अमित चूज किया था उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली किसी तरीके की अनदर अकाउंट इज़ यूजिंग दिस ईमेल आईडी, दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अनदर नेम। दोस्तों यहाँ पे जो यूज़र नेम हमने लिया है अमित, वो अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, चेंज यूज़र नेम पे जाएंगे। यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है वो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया अमित 12 जी या अमित 12 लिख लेते हैं, ठीक है। जो अवेलेबल होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई देने लगेगा, नेक्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ से, अनदर अकाउंट इज़ यूजिंग दिस, ओके। नेक्स्ट तरीके से आप साइन अप करेंगे तो आप अपने उस पर आ जाएंगे, अपना मेन जो आपका अकाउंट है। और जब मेन अकाउंट पे जब आ जाएंगे आप, तो उसके बाद आप जब उसमें लॉगिन का मतलब होता है दोस्तों कि आप अपना आप अपना पासवर्ड जो भी आपने चूज़ किया है वो पासवर्ड, और पासवर्ड के साथ साथ में जो भी आपका यूज़र नेम है वो डालना होता है। तो आपने सपोज़ करिए अपना पासवर्ड और यूज़र नेम क्रिएट कर लिया, तो वो अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आपका जो पेज होगा फेसबुक का इंस्टाग्राम का, वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये दोस्तों सबसे नीचे जो दिखाई दे रही है, दिस इज़ कॉल्ड होम बटन। होम बटन में वो लोग होते हैं जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, उनकी पिक्स यहाँ निकल के आती हैं। यहाँ सर्च आइकन में आप कोई भी आइए तो किसी को भी सर्च करना चाहते हैं यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है। प्लस बटन का मतलब होता है ये आपको गैलरी में विजिट करके ले जाएगा, आपकी गैलरी में जो भी चीज़ें होंगी वहाँ से यहाँ प्लस पे क्लिक करके जा सकते हैं, वहाँ से कोई भी फ़ोटो मतलब चूज़ कर सकते हैं अपलोड करने के लिए इंस्टाग्राम पे। उसके बाद ये हार्ट जो ऑप्शन दिख रहा है ना, हार्ट का मतलब होता है कि आपने किसी फ़ोटो को मान लीजिए लाइक किया है, मान लीजिए होम में इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं जिसे मान लीजिए ये फ़ोटो हमने इसको लाइक किया, तो लाइक करेंगे तो यहाँ पर वो इंक्लूड हो जाती है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी कोई फ़ोटो है आपने मान लीजिए अपनी प्रोफाइल में पोस्ट करी है तो उसको किसी ने लाइक किया है, तो आपको हार्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सब दिखता है कि कौन किसने आपकी फ़ोटो को लाइक किया है। और सबसे राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जो आदमी का आइकन बना हुआ है वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल के लिए है, मतलब उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल खुल जाएगी, जो भी आपका नाम है आपकी फ़ोटो है, ठीक है। ये सारी आपकी इस तरीके से फ़ोटोज़ होती हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, इसी तरीके से चलाते हैं। आपको कोई फ़ोटो अपलोड करनी है तो आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे नीचे की तरफ जो है, और उसके बाद वो गैलरी में जाएगा, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, नेक्स्ट करते जाना है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। अगर आपको किसी तरीके की क्वेरी या कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए रेडी हूँ। और दोस्तों लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए करेगी। दोस्तों किसी भी फ़ोटो को लाइक करना होगा तो आप उसको डबल टैप करना है, जैसे मान लीजिए इसे लाइक करना है तो डबल टैप इसी फ़ोटो पर कर देंगे, लाइक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, चलिए।